हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की दूसरी रेसिपी, चिकन मुगलई, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही सही होता है। और इसके लिए हमने ले लिया है 1/2 kg चिकन। और चलते हैं, सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। इसकी ग्रेवी बहुत ही रिच रहती है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/2 स्पून जो है नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे 1 से 2 चम्मच। दही डालने से पीस काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसको हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट पर। तब तक हम चलते हैं, अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। ये हमने ले लिया है काजू। इसमें काजू और बादाम डालना बहुत ही ज़रूरी रहता है, ताकि ग्रेवी को हम अच्छे से रिच बना सकें। और हम ले लेंगे कुछ बादाम, इनको हम अच्छे से भिगो लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहे तो इसे रोस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्राई भी करके ले सकते हैं। इन्हें बस अच्छे से पेस्ट इसका बनना चाहिए। में हमने तेल गरम कर लिया है और सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं तेल से लग रहा है कर रहा है, तो हमें पेस्ट पर प्याज को डालना है। और जितनी ग्रेवी आपको रखना हो, आप उसी हिसाब से प्याज को फ्राई कर ले। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है, तब तक हम बादाम के छिलके निकाल लेते हैं, ताकि इनको हम अच्छे से पेस्ट बना सकें। छिलकों को हमने ऐसे उतार लिया है इसमें से, और हमारा प्याज भी फ्राई हो रहा है। अगर आपको क्रिस्प रखना हो प्याज, तो आप डबल डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पेस्ट बनाना है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। बस हमें एक नॉर्मल फ्राई करना है प्याज को। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अभी इसे हम निकाल लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आने लगेगा। और इसे हम चलते हैं निकाल लेते हैं, गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं। प्याज को हम चलते हैं मिक्सी जार में डाल देते हैं, और इसका जो है हम पेस्ट बना लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं काजू और बादाम, और इसमें हम दही ऐड कर देते हैं। दही हम इतना ही डालेंगे, क्योंकि हमने मैरिनेट भी किया है चिकन को। अब इसका हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया बिल्कुल फाइन। अब चलते हैं बनाने। हम रख दिए हैं नॉन वेज की कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं ऑयल, रिफाइंड ऑयल। आप इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन हम घी में नहीं बनाते हैं, आपको पता ही है, घी हम खाते ही नहीं हैं। तो हम ऊपर से हम बटर डालेंगे, थोड़ा सा बटरी फ्लेवर लाने के लिए। तो अभी हम इसको गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, और इसमें हम डाल देते हैं खड़े मसाले। मसाले को हम चटकने देंगे, उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं चिकन। अब इसमें हम डाल देते हैं चिकन, और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें हम डाल देते हैं ये पेस्ट, और गैस की फ्लेम हम सिम रखेंगे, क्योंकि इसमें दही पड़ा है तो इसमें फटने के चांसेस रहते हैं। अब इसे हम चलाते रहेंगे अच्छे से, और इसमें हम डाल देते हैं सूखे मसाले। सबसे इसमें हम डाल देते हैं धनिया का पाउडर 1 चम्मच, और इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हम थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक डाल देंगे हम 1 चम्मच। नमक पहले भी मैरिनेशन में पड़ा हुआ है,
इस हल्दी को हम स्किप करेंगे और इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से भूनेंगे। अब इसे हम ढक देंगे और हम इसे ढक के भूनेंगे ताकि ये साथ के साथ जो है गल जाए। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच बटर। आप चाहे तो ऊपर से घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें बटर ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा है। और इसे हम और भून लेंगे थोड़ी देर। इसमें हमने डाल दिया है कसूरी मेथी 1 चम्मच। आप देख सकते हैं अच्छे से चिकन हमारा भुन गया है। इसके तेल जो है ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। अभी हम इसमें 1-2 मिनट और भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी थोड़ा सा, बस इतना ही पानी हमें चाहिए। अब इसमें हम बॉयल आने देंगे। उसके बाद हमारा ये तैयार हो जाएगा चिकन मुगलई। देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। चिकन हमारा बनके तैयार हो गया। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। ये अच्छा वाला आप देख सकते हैं हमारा जो है मुगलई चिकन बनके तैयार हो गया है। और साथ में हमने इसे नान के साथ जो है सर्व किया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। साथ में लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।